स्नैक देख सकते हैं जो यहाँ कि इस पर केमिकल्स में रखा हुआ है। कॉलेज के अंदर का जो गार्डन है, सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस गैलरी में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्लासरूम सारे स्टूडेंट के बैठने का जो है बना हुआ है, और यहाँ पर जो है इस गार्डन में घूमने के लिए जो है ये लाइब्रेरी है। और ये देख सकते हैं स्टेडियम के। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इरज राय ब्लॉग में, और आज हम लोग देखेंगे TNB कॉलेज, जो कि भागलपुर का सबसे पुराना कॉलेज यह माना जाता है। 1883 ईस्वी में इस कॉलेज का स्थापना भागलपुर में किया गया था। काफ़ी बड़ा कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। हम आपको जो है इस कॉलेज का पूरा टूर करवाएंगे, पूरा वीडियो जो है आपको इस कॉलेज का दिखाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देख सकते हैं ये TNB कॉलेज का यहाँ पर गेट है, हम लोग अंदर चलेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट है। काफ़ी ग्रीन नज़ारा है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा पुराना यहाँ पर ये सारा पेड़ लगा हुआ है। देख सकते हैं इस कॉलेज के कैंपस के सामने का जो दृश्य है वो आपको जो है हम इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर भी देख सकते हैं ये पूरे कॉलेज के कैंपस का दृश्य है। ये कुछ नक्शा है यहाँ का TNB कॉलेज का, देख सकते हैं अपने में, देख सकते हैं ये कॉलेज के मुख्य गेट को, तेज नारायण बनेली महाविद्यालय। काफ़ी सुंदर जो है यहाँ का ये गार्डन जो है बना हुआ है। तो TNB कॉलेज का जो है मेन गेट यहाँ पर सामने में है, और हम लोग चलेंगे कॉलेज के मेन गेट के अंदर में, और बिल्डिंग के अंदर का जो है दृश्य वो देखने का प्रयास करेंगे। सर, इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हाँ हाँ, जूलॉजी, बायो। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो कि हमको अंदर लेकर के चल रहे हैं, और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर सर्वोत्तम सिंह राजपूत हुआ, मैं BCA डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, तो ये BCA यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ। तो अंदर हम लोग इस बिल्डिंग में आ चुके हैं। आप बिल्डिंग के अंदर आने के बाद जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर का जो दृश्य है, ये कॉरिडोर आप देख सकते हैं। कॉरिडोर में आने के बाद जो है आपको अंदर के कैंपस का इस प्रकार से यहाँ पर दृश्य दिखेगा। और ये इधर आपको मैं बायोटेक्निक। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी का उधर। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, देख सकते हैं ये इधर का क्लासरूम है, और ये सामने गार्डन है। काफ़ी हरा भरा जो है ये कॉलेज के अंदर का जो गार्डन है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। लेके चलता हूँ सर। अच्छा, हम लोग ऊपर चलेंगे और ऊपर के क्लासरूम को जो है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ऑफिस का एरिया है, देख सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफिस, देख सकते हैं इधर ये सारे अलग अलग विभागों का जो है यहाँ पर। आप ये हिंदी डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ। अच्छा, यहाँ के क्लासरूम को थोड़ा सा दिखाते हैं। हाँ जी। तो ये है कि यहाँ का क्लासरूम देख सकते हैं, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर जो है आप इस बिल्डिंग का देख सकते हैं, फैला हुआ है पूरा 300 एकड़ में है। हाँ, आपको घूमते घूमते कम से कम 1 आवर लग सकता है। हाँ, वो तो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टूडेंट के जो है पानी पीने का यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। तो इस बिल्डिंग के ऊपरी वाले हिस्से पे चलते हैं, कक्ष है ये एक तरह से, जो है यहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग बैठते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। और ऊपर से जो इस बिल्डिंग का दृश्य है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा बिल्डिंग है चारों तरफ से, वो देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर तक जो है ये बिल्डिंग फैला हुआ है। सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस गैलरी में कुछ एग्ज़ाम को दे रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन का जो है काम यहाँ पर इस काउंटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये गेट है लगा हुआ, ये और हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चलते हैं। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी को आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी टेबल पर जो है सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करते हैं। देख, सारा टेबल जो है सारे केमिकल्स से जो है यहाँ पर भरा हुआ है। सारे स्टूडेंट आकर के जो है प्रैक्टिकल का जो है काम करते हैं। और आगे चलते हैं और यहाँ के क्लासरूम को जो है देखेंगे। काफ़ी बड़ा जो है यह बिल्डिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी बना हुआ है। ये देख सकते हैं ये गैलरी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये क्लासरूम सारे स्टूडेंट के बैठने का जो है बना हुआ है। और यहाँ पर यह बोर्ड देख सकते हैं, ये डबल डेकर जो है बोर्ड है, जो कि ऊपर नीचे जो है यहाँ से किया जाता है। पोडियम बना हुआ है, काफ़ी बड़ा हॉल आप ये देख सकते हैं। इधर के पीछे का जो दृश्य है वो हम
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी लंबा जो है बिल्डिंग यहाँ पर ये बना हुआ है, और भी डिपार्टमेंट्स हैं दूर दूर तक जो है स्टेडियम मिल जाएगा बना हुआ है, आगे जो है स्टेडियम है और उधर जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट है। ये TNB कॉलेज का कैंपस जो है काफ़ी बड़ा है और पैदल घूम पाना जो है काफ़ी मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पर बाइक से चलते हैं और जो है आपको इस कैंपस के पूरे दृश्य को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इस मैदान को क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इस बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट में। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जूलॉजी डिपार्टमेंट में, अंदर चलते हैं। तो ये जूलॉजी डिपार्टमेंट का जो है बिल्डिंग इधर देख सकते हैं, ये गैलरी जूलॉजी डिपार्टमेंट के। हम लोग अभी म्यूजियम में आ चुके हैं और यहाँ पर जो इस म्यूजियम में सारे सामान को रखा गया है, आप सारे जीव जंतुओं को यहाँ पर देख सकते हैं जो कि केमिकल्स के बोटल्स में यहाँ पर रखा गया है। ये आदमी का जो है बच्चा है जो कि 4 मंथ का जो है यहाँ पर इस केमिकल्स के बोतल में जो है देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। स्नैक देख सकते हैं जो कि इस केमिकल्स में रखा हुआ है और यहाँ पर बॉडी पार्ट्स यहाँ पर रखा गया है। ये क्या है सर? ये जो है 2-हेडेड काफ है और 1962 में कलेक्ट फ्रॉम चंपानगर। तो यहाँ पर ये गाय के बच्चे को देख सकते हैं, ये 2 सर वाला जो है गाय का बच्चा है हैं जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग केमिकल्स में जो है यहाँ पर रखा गया है। तो काफी ग्रीन जो है आप देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है। और आगे वाले डिपार्टमेंट में हम लोग चल रहे हैं, ये यहाँ का जो है PG डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये सारा बिल्डिंग जो है यहाँ के PG डिपार्टमेंट का। तो ये PG डिपार्टमेंट जो है आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। तो हम लोग आ चुके हैं इस PG डिपार्टमेंट के पीछे का जो दृश्य है, इसको बॉटनिकल गार्डन के नाम से जो है जाना जाता है और काफ़ी जंगल नुमा दृश्य है वो इधर आप देख सकते हैं। ये पूरा जंगल से भरा हुआ यहाँ पर ये दृश्य है। ये व्यू आपने शायद ही कभी किसी ब्लॉग में देखा होगा जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये कितना विशाल पेड़। और यहाँ पर जो है इस गार्डन में घूमने के लिए जो है ये सड़क बना हुआ है जो कि आप आराम से जो है इस जंगल में भी घूम सकते हैं। काफ़ी जो है जंगल नुमा दृश्य आप ये देख सकते हैं। तो इसी कैंपस में एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जो कि हनुमान जी का मंदिर है, और भी सारे देवी देवताओं का यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ का ये फिजिक्स डिपार्टमेंट देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान का जो है यहाँ पर ये कैंपस बिल्डिंग है। इधर ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स बिल्डिंग है यहाँ का, यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स का जो है यहाँ से कमांड किया जाता है। इधर ये लाइब्रेरी देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है। और अभी हम लोग बाइक से ही शूट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ से निकलना भी है। और लाइब्रेरी के सामने का जो ये कैंपस है, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर TNV कॉलेज के इस स्टेडियम में। काफ़ी बड़ा कैंपस होने की वजह से जो है हम लोग को जल्दी जल्दी में बाइक से घूमना पड़ रहा है क्योंकि पूरे स्टेडियम को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं स्टेडियम के, और वो उधर रंगमंच बना हुआ है, इधर देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्टेडियम का दृश्य था। स्टेडियम के बाहर जो एक ग्राउंड है वो आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इस ग्राउंड में खेल रहे हैं और काफ़ी बड़ा जो है एरिया देख सकते हैं। इधर भी एक स्टेडियम, स्टेडियम के जस्ट बाहर भी जो है एक ये बड़ा सा ग्राउंड देख सकते हैं। और हम लोग पीछे वाले गेट से जो है बाहर निकलेंगे, पीछे वाले रास्ते से जाने आने का जो है इनका बना हुआ है। आज हम लोग देख रहे थे TNB कॉलेज और पूरे कैंपस को जो है हमने देखा, और जो है मुख्य मुख्य बिल्डिंग को हम आपको जो है दिखाने का प्रयास किए हैं, और यहाँ के मुख्य जो देखने लायक जगह था वो हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।